आज मैं आप सभी के लिए एक हेल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो है सैंडविच चीज ऑमलेट। आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे एक बार अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी जरूर बना के दीजिएगा। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो आइए देखते हैं सैंडविच चीज ऑमलेट बनाने के लिए मैंने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया। मैंने 4 अंडे लिए हैं और 6 ब्रेड के स्लाइसेस। मैं 4 अंडों में 6 ब्रेड के स्लाइसेस यूज करने वाली हूँ। 1 बड़ा चम्मच मैंने देसी घी का लिया है। आप चाहे तो मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मैंने अमूल के चीज क्यूब लिए हैं। आप चाहे तो मोजरेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अमूल स्लाइस में भी ले सकते हैं। मैं यहाँ क्यूब का इस्तेमाल करूंगी। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक कट करके रखा है। 1 मीडियम साइज का टमाटर, इसे भी मैंने बारीक बारीक कट करके रखा है। शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने बारीक कट करके रखा है। आप अपने पसंद की कोई भी शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने धनिया यूज किया है। 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक कट करके रखी है। 1/2 चम्मच में चिली फ्लेक्स यूज करूंगी। 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। शिमला मिर्च ऐड करूंगी। प्याज, टमाटर, धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, नमक। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें अंडा फोड़ के ऐड करूंगी। बंद कर दो। मैंने सारे अंडे डाल दिए हैं। अब मैं सभी को अच्छे से फेंट लूंगी। देख सकते हैं मैंने सभी चीजों को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं एक पैन रख लूंगी। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपना बैटर डालूंगी। मैं अभी 1/2 का ही इस्तेमाल करूंगी। अब देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से फैला दूंगी साइड साइड में। अब मैं ब्रेड को ऐसे डिप करूंगी और साइड में रख दूंगी। एक और ब्रेड को। और नीचे से इसे अच्छे से पकने देंगे। गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे ताकि जो हमारा अंडा है वो नीचे से जले ना। एक तरफ से अच्छे से पक चुका है। मैं इसे पलट के दूसरे साइड से पकाऊंगी। हमें इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से पकाना है। साइड को अंदर टर्न कर लेंगे। इस साइड को भी आप देख सकते हो सभी चीजें अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसके ऊपर चीज ऐड करूंगी। मैंने इसे खिस के रखा था। अब मैं इसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से फैला दूंगी। अब मैं इसकी साइड को पलट दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसकी साइड को अच्छे से पलट दिया है। इस पे एक अच्छा सा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसे अच्छे से सेकूंगी चारों तरफ से। चारों तरफ से अच्छे से सीख गया है, देख सकते हैं। अब मैं इसे सर्व कर लूं। बन के तैयार है हमारा चीज सैंडविच ऑमलेट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।